नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनटी न्यूज और मैं हूं आपके मथुरा साथ। जिले के कुंभराज खटकिया चौराहे पर आज चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह जी को कुंभराज के संघर्ष छात्र समिति के सदस्यों ने ज्ञापन सौंपा। मांग की गई इस वर्ष कई छात्रों की छात्रवृत्ति आवास योजना की पूरी राशि का भुगतान नहीं किया गया है, इसे जल्द किया जाए और इस वर्ष छात्रों से परीक्षाएं नहीं ली गई है इसलिए उनकी फीस भी वापस की जाए। कोरोना वायरस के समय समस्त नए छात्रों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाए। ज्ञापन देने वालों में राकेश नीलम, मनीष निर्मल, साहिल शुभम, राजकुमार मंगल आदि शामिल हुए। इद्रीस मंसूरी की रिपोर्ट। आपने जो ज्ञापन दिया है वो सिर्फ कुमराज स्तर पर, तहसील स्तर पर दिया या फिर और कहीं भी इस तरीके के ज्ञापन आप दे रहे हैं? अभी हमने यहाँ कुमराज में चाचौड़ा विधायक को दिया है। ऐसे ही हर जगह के जो मंत्री हैं, सांसद हैं, एमएलएज हैं, सभी जगह लगभग पूरे मध्य प्रदेश में हम ये प्रयास अलग अलग छात्र कर रहे हैं कि वो मंत्रियों तक बात पहुँचाएंगे। साथ ही हम एक अभी आज जो सभी मंत्रियों को जो नहीं मिल पाए उनको ईमेल भी हम कर रहे हैं सरकार के पास बात पहुंचाने के लिए। अगर आपकी बात नहीं सुनी गई तो इसके बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? इसके बाद सर यही प्रक्रिया है कि छात्र जो है एक समाज की रीढ़ की हड्डी होता है, तो उसको शिक्षा से अगर वंचित रखा जाएगा और सरकारें अगर उनके लिए बेहतर सुविधाएं अगर नहीं कर पाएंगी तो छात्र जो है आंदोलन का रास्ता अपनाएगा। हम सरकार से ये अपील भी कर रहे हैं और मांग भी कर रहे हैं कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती तो हम आगे सभी स्टूडेंट मिलकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। आपने अभी तक टीएनटी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना न भूलें ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।